कोलोंजी से पाएं बेदाग, चमकदार और हेल्दी स्किन। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा रेमेडी लेकर आई हूँ जो आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से लाइटन और ब्राइटन करेगा। देखिए, हमारी स्किन गर्मियों में काली क्यों पड़ने लगती है, पिंपल एक्नी गर्मियों में ही क्यों बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब हम धूप में बाहर निकलते हैं तो हमारी स्किन में मेलेनिन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और मेलेनिन हमारी जब स्किन में बढ़ने लगता है तो हमारी स्किन का कलर डार्क होने लगता है, काला पड़ने लगता है, आपका मंकी माउथ बन जाता है, मतलब जो आपका माउथ लिप्स के आसपास की जो स्किन है वो पूरी काली पड़ने लगती है। तो इन सारी समस्याओं को आज का मेरा ये रेमेडी जड़ से खत्म कर देगा। इस रेमेडी को फॉलो करने के बाद आपको पता ही नहीं लगेगा कि गर्मियां कैसे आई और कैसे चली गई, क्योंकि आपकी स्किन इतनी ग्लोइंग और हेल्दी रहेगी कि आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। ये आपकी स्किन को लाइटन करेगा और आपकी स्किन को ब्राइटन करेगा। सिर्फ एक महीना आपको इस्तेमाल करना है और एक महीने में आपके चेहरे की रंगत इतनी ज्यादा अच्छी हो जाएगी कि आप ऑनेस्टली बाहर की कोई भी क्रीम्स या कोई भी चीजें, वीडियोस आप देखना ही छोड़ देंगे अपनी स्पेशली स्किन के लिए। सबसे अच्छी बात है कि इसको आपको रोज नहीं बनाना, आप इसको एक महीने के लिए बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, कोई प्रिजर्वेटिव मिलाने की जरूरत नहीं, बस आपको इसको बनाकर फ्रिज में रखना है और रोजाना इसका एक दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है। कैसे? मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और नाइट में, यानी सोने से पहले। कैसे इस्तेमाल करना है अब वो जान लेते हैं और कैसे इसको बनाना है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो जो आपकी ये टैनिंग है ये उसको बहुत अच्छे से आपकी स्किन से बाहर निकालेगा। अब जान लेते हैं इस रेमेडी को बनाना कैसे है। इसके लिए आपको एक बर्तन लेना है, उसमें डालना है 2 ग्लास पानी, 2 चम्मच कोलोंजी, काली कोलोंजी जो होती है इजिली आपको परचून की दुकान से मिल जाएगी। साथ में उसमें ऐड करना है आपको 1 चम्मच सौंफ, मोटी वाली सौंफ जो हम खाना खाने के बाद खाते हैं, वो वाली सौंफ आपको ऐड करनी है। सौंफ क्या करता है, आपके स्किन को किसी भी एलर्जी से, पिंपल एक्नी से फाइट करता है, आपकी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाता है, आपकी स्किन के जो पीएच लेवल होता है ना उसको मेंटेन करता है। अब साथ में हमने इसमें डालनी है 2 इलायची। इलायची को आप छिलके और बीज के साथ आप उसमें मिक्स कर दीजिए। इलायची क्या करता है, एंटी एजिंग का काम करता है, आपकी स्किन को स्मूथ बनाता है। अगर आपकी स्किन समय से पहले बूढ़ी होती जा रही है या लटक सी गई है तो आप देखेंगे आपकी स्किन टाइट होने लग गई है, तो आपको इस पानी को अच्छे से उबालना है। जब ये पानी कड़कर आधा रह जाए तो आपको इसको छान कर एक स्प्रे बॉटल में आपको स्टोर कर लेना है और उसके बाद इस स्प्रे से अपने 3 बार फेस पर स्प्रे करें। आप खुद नोटिस करेंगे, खुद मजबूर हो जाएंगे इसको रोजाना इस्तेमाल करने के लिए, इतना ज्यादा इफेक्टिव है। और प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी स्किन पर इसके क्या रिजल्ट रहा। विद इन अ वीक आपको इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ आपने चाहे घर पर है या बाहर है सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करना है, क्योंकि सिर्फ सन से जो रेज निकलती है हमारी स्किन को डैमेज नहीं करती, बल्कि हमारे मोबाइल फोन, कंप्यूटर, इन सब चीजों से जो भी रेज निकलती हैं वो भी हमारी स्किन को काला करती हैं। तो सनस्क्रीन मस्ट है, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, इस्तेमाल जरूर करें और अपनी स्किन को हेल्दी रखें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी हंसी खुशी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।